जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया कुछ भी अल्फाज का, तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि ये जो कहानी था, ये कहानी था कि दोबारा से प्रेम करने की ज़रूरत रखने की, उसके बारे में, इस बारे में कि अपने आप के अंदर जो खूबसूरती है वो एक्सेप्ट करना और फिर से प्यार करने का हौसला रखने का. सो दिस होल जर्नी, व्हेन आई वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट, आई रियली लाइक दैट. एक एलिमेंट था जो फ्रेश था कि इस पे ये प्यार जो है व्हाट्सएप, टिंडर, फेसबुक के माध्यम से, आजकल का जो मीडियम है, आजकल के यंगस्टर्स जो बहुत यूज़ करते हैं उस मीडियम के माध्यम हो रहा है. लेकिन प्यार का जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो हमेशा एक ही रहता है. और इस फिल्म पे भी वही सोल है कि अल्टीमेटली जो दो शख्स है इस फिल्म पे, एक है एक रेडियो जॉकी अल्फाज जो अंदर से टूटा हुआ है, और एक है आर्ची जो व्हाट्सएप में जो मीम्स, जो फॉरवर्ड्स हम लोग देखते हैं, हंसते हैं, वो बनाते हैं. व्हाट्सएप मीम आर्टिस्ट है जो, जिसका ल्यूकोडोमा है, जो बाहर से टूटा हुआ है, इनसिक्योरिटीज़ है, डर है. और कैसे ये दो इंसान एक फ़ोन कॉल पे कनेक्ट होता है और उन एक दूसरे को हौसला देता है अपने आप को मोहब्बत करने के लिए और फिर से प्यार करने के लिए. यार बेहतरीन एक्सपीरियंस था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक तो ये पहली मूवी है मेरी. पहली मूवी का एक्सपीरियंस इट वॉज डबल्ड अप बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं एक रोमांटिक स्क्रिप्ट कर रहा था. तो वो इट जस्ट बिकम्स ऑल द मोर ब्यूटिफुल, और भी ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस बन गया, क्योंकि हम एक बहुत ही खूबसूरत मूवी बना रहे थे और एटमॉस्फेयर ऑन द सेट वाज आल्सो लाइक दैट. एंड जब आपको पता होता है कि आपकी स्क्रिप्ट में इतनी अच्छी सॉलिड है, इतना अच्छा कंटेंट है और आपका डेब्यू होने वाला है, तो आप में और कॉन्फिडेंस आता है. और उसके अलावा मैं दो नेशनल अवार्ड विनर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपके लिए ओवरवेलमिंग था, कैसा महसूस हुआ या फिर ये सब कुछ. तो मैं कहता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ उस वजह से कि ऐसे दो मंझे हुए और अपने काम में इतने अच्छे लोग, तो माई फ्यूचर इज़ इन गुड हैंड्स. तो मैं तो खुशी हूँ. मेरा अगला सवाल भी वही था कि आपकी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म में नेशनल अवार्ड विनर एक्टर और इतने ब्यूटीफुल एक्टर, तो कैसा रहा इनके साथ का एक्सपीरियंस? इन्होंने आपको डराया, धमकाया? पता नहीं, ये शायद वो सब करती हैं लेकिन नहीं करती. चेहरे से देखे तो ऐसा लगता नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती. बहुत हम्बल हैं और जब से मैंने उनको जाना है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सेट पे इतना ज़्यादा टाइम हमें एक साथ मिला नहीं, क्योंकि मूवी की पूरी शूट या प्रेपरेशन के दौरान मुझे नहीं पता था ये कौन है, इनको नहीं पता था मैं कौन हूँ, इन्होंने नहीं मेरी शक्ल देखी थी, ना मुझे मिली थी, ना मैं इनसे मिला था. तो ये मूवी का एक बड़ा ऑर्गेनिकली, ये एक हमारा ओनर का ये एक अटेम्प्ट था, प्रयास था कि हम मूवी को जितना नेचुरल रखें कि जब हम एक्चुअली में मिलें असल ज़िंदगी में, वो मूवी में जब हम मिलते हैं वो वही मोमेंट है व्हेन वी एक्चुअली मेट एज वेल. जी तो जी तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये एक दिन बाहर रहीं कैलकटा में और चली गई. अब मैं जाके इनसे मिल रहा हूँ और हमारी वाकफियत हो रही है और हम एक दूसरे को जान रहे हैं. हम लोग मिले नहीं जब शूट कर रहे थे, तो एक्चुअली बॉन्डिंग जो हो रही है वो अब हो रही है. अब मैं जैन को जान रही हूँ, ही इज़ गेटिंग टू नो मी. तब तक मैं सिर्फ अल्फाज को जानती थी और इनकी आवाज़ सुनी थी फ़ोन में, क्योंकि जब हम रिहर्सल कर रहे थे या फिर सीन शूट्स कर रहे थे तो ये मुझे फ़ोन करते थे फॉर द सीन, और व्हाट्सएप, वी यूज़ टू व्हाट्सएप, प्रिटेंड व्हाट्सएप. उसके अलावा मैं इनके बारे में कुछ जानती नहीं थी, लेकिन जब भी ये सेट पे आते थे तो मैं कहीं और होती थी, आई वॉज़ नॉट अलाउड टू मीट हिम, लेकिन सब लोग बोलते थे हम अपने दोस्तों से नहीं मिलते काफी टाइम तक, तो यू नो दैट हार्ट, वी गेट दैट एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन बिल्ड होता है. तो सिमिलरली जिस दिन मुझे जैन को मिलना था शूट पे, सेट पे, फाइनली वो सीन करना था जब हम मिलते हैं, आई वॉज सो नर्वस एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. और मैं मेकअप आर्टिस्ट को सबको बोल रही थी, मैं आज जैन से मिल रही हूँ, मैं आज जैन से मिल रही हूँ. इट वॉज सो रियल इन दैट वे कि एक्चुअली जब वो फिल्म में वो सीन भी है, इट्स रियल लाइफ, बिकॉज हम दोनों एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिले उस दिन.
वो कैलकटा में इट वॉज ब्यूटिफुल ट्रैम में शूट कर रहे थे. हाँ मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम न्यू कम हुआ, ऐसा नहीं. आई वॉज जस्ट वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट जैन.